हाय गाइस, वेलकम बैक टू अर्बन व्हिस्की। जैसा कि वीडियो के टाइटल और थंबनेल में आप सबने देख ही लिया होगा कि आज हम एक वोडका का रिव्यू करने वाले हैं और हमारे चैनल पे आज ये थर्ड टाइप ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज होगा जिसका हम आज रिव्यू करेंगे। अगर आज एक वोडका का रिव्यू करने ही लगे हैं तो क्यों ना सबसे पहले जान लें कि वोडका होती क्या है। वोडका एक क्रिस्टल क्लियर अनएज्ड अल्कोहलिक बेवरेज होता है जिसका अपना कोई भी टेस्ट, फ्लेवर या फिर कोई भी स्मेल नहीं होती। ट्रेडिशनली इसको बनाया जाता है सीरियल ग्रेन्स जैसे कि वीट, कॉर्न, राई के लिक्विड को फर्मेंट करवा के उसको डिस्टिल करवाया जाता है। कुछ कंट्रीज में तो इसको पोटैटो से भी बनाया जाता है। जी हाँ, पोटैटोज इसका मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। डिस्टिल करने के बाद जो लिक्विड मिलता है उसको फिल्टर करवा के वाटर के साथ मिला दिया जाता है एक फिक्स्ड रेशियो में। बेसिकली वोडका कॉम्बिनेशन होता है अनएज अल्कोहल और वाटर का। इसकी शुरुआत हुई थी 14th सेंचुरी में ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, रशिया, स्वीडन और पोलैंड में। वोडका को इन सभी कंट्रीज में अलग अलग तरीके और अलग अलग इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है और रशिया में वोडका को वोडका भी बोलते हैं। वोडका का मतलब होता है वाटर और इसको वहाँ पे वाटर ऑफ लाइफ कह के भी बोलते हैं। ये कॉमनली टू टाइप्स की होती है, फ्लेवर्ड और प्लेन। ये थी छोटी सी जानकारी कि वोडका क्या होती है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिए। और याद रखिए कि चैनल पे एक गिव अवे शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में और सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए होने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मौका पाइए इस गिव अवे को जीतने का। और आज का हमारा रिव्यू होने वाला है वन मोर वोडका के ऊपर और यूट्यूब पे इंडिया में ये फर्स्ट रिव्यू होगा वन मोर वोडका का। ये एक क्राफ्ट वोडका है। इसको क्राफ्ट वोडका इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको स्मॉल बैचेस में ही बनाया जाता है। ये 3 वेरिएंट्स में आती है, प्लेन, ग्रीन एप्पल और ऑरेंज। इसको बनाती है अल्कोब्र्यू डिस्टिलरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग लिकर कंपनी है इंडिया में। और इनके कुछ फेमस ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे कि गोल्फर शॉट विस्की, ओल्ड स्मगलर, स्कॉच विस्की, लायन डैडी रम और भी कई ब्रांड्स अवेलेबल हैं इनके मार्केट में। और कंपनी की शुरुआत हुई थी 2005 में और रिसेंटली 2020 में लॉन्च की गई वन मोर वोडका आज हमारे पास है। ये एक मल्टी डिस्टिल्ड वोडका है और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं हाई क्वालिटी इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स और नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स। और कंपनी के मुताबिक ये बहुत स्मूथ होने वाली है और मिक्सिंग के लिए भी बहुत बढ़िया होने वाली है, क्योंकि इसको न्यू इको फाइन टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जाता है जिसकी वजह से ये बहुत प्योर और स्मूथ बनती है। यानी कि जैसे भी आप इसको पिए आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। और इनकी अपनी टैगलाइन भी है, एवरी टाइम यू टेस्ट इट यू विल फाइंड वन मोर वर्ड टू डिस्क्राइब इट। और ये सभी साइजेस में मिल जाती है। इसको मैं लेके आया था हरियाणा से जब मैं टूर पे गया था और ये वहाँ मुझे मिली थी 500 रुपीज़ की और पंजाब में इसका प्राइस 800 से लेके 900 रुपीज़ तक मिल जाना चाहिए। इसके प्रिंट में आपको नियॉन कलर्स देखने को मिल जाएंगे। ये एक फ्रॉस्टेड बॉटल है और इसके ऊपर आपको डांस करते मिल जाएंगे डीजे मोनो। डीजे मोनो यानी ये जो ऊपर मंकी बना है, स्पेनिश में इसको मोनो बोला जाता है। और अब आते हैं बॉटल ओवरव्यू पे। 750 ml की बॉटल है ये, 42.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिल जाएगा और 75 प्रूफ भी मिल जाएगा। फुल फ्रॉस्टेड बॉटल है ये, लेकिन इसको मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया था क्योंकि ठंडा करने से वोडका में एक टेक्सचर आ जाता है। तो अब इसको पोर करके देखते हैं ये कैसी लगती है। जब तक मैं इसको पोर करता हूँ आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। पहले इसको नीट ट्राई करेंगे, फिर इसका छोटा सा एक रेगुलर कॉकटेल भी बना के देखेंगे कि ये कैसी लगती है। जैसे मैंने पहले बताया था कि वोडका का कोई भी अपना अरोमा या टेस्ट नहीं होता, इसमें बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं आ रही है। कई वोडकास में से तो नेल पॉलिश रिमूवर जैसी स्मेल आती होती है। चलो अब टेस्ट करके देखते हैं क्या ये पीने में भी उतनी स्मूथ है कि नहीं। बहुत स्मूथ है फ्रेंड्स ये। कई वोडकास तो ऐसी होती हैं जिनको गले से नीचे उतारना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बहुत स्मूथ है, बहुत आसानी से ये
मेरे गले के नीचे उतर गई। कोई हार्शनेस भी नहीं है इसमें, इस प्राइस रेंज में बहुत बढ़िया वोडका है ये, बहुत स्मूथ वोडका है। क्योंकि वोडका को हम नीट नहीं पी सकते, लेकिन इसको पीना बहुत ही आसान था। तो चलिए अब इसका एक कॉकटेल भी बना के देख लेते हैं कि ये कैसी लगती है। आमतौर पर जब हम वोडका पीते हैं तो एक रेगुलर कॉकटेल ही बना के पीते हैं, तो इसीलिए आज एक रेगुलर कॉकटेल बनाएंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे लेमन, स्प्राइट और क्लब सोडा का। तो बनाते हैं आज का कॉकटेल। आप कॉकटेल बनाने के लिए एक टॉल ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ओल्ड फैशन ग्लास का ही यूज़ करूँगा। इसको साइड पर रख देते हैं। अब पहले मैं इसमें पोर करूँगा 45 ml ऑफ वोडका। इसमें मैंने लेमन 5 ml पहले ही डाल रखा है। इसको भी साइड पे रख देते हैं। और अब मैं डालूंगा इसमें थोड़ा क्लब सोडा, क्योंकि अकेली स्प्राइट से थोड़ी ड्रिंक मीठी बन जाती है और मुझे मीठी ड्रिंक थोड़ी कम ही पसंद है। अब इसमें पोर करते हैं थोड़ा सा सोडा। और सोडा और स्प्राइट मैंने दोनों ही चिल्ड कर लिए थे पहले ही, ताकि मुझे आइस का यूज ना करना पड़े। अब इसको टॉप अप कर लेते हैं स्प्राइट से। और यह बन गया हमारा रेगुलर वोडका कॉकटेल। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि यह कैसी लगती है। बहुत ही प्यारा नोज आ रहा है इसका, बिल्कुल भी अल्कोहल पंच नहीं है इसमें। चलो अब टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसी लगती है। आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप एक अल्कोहलिक ड्रिंक पी रहे हैं। बहुत ही स्मूथ है ये, मेरी ओर से तो ये वोडका बिल्कुल पास है। इस प्राइस रेंज में बहुत बढ़िया वोडका है ये, बहुत बढ़िया बनी है ये। एक और सिप लेके देखता हूं। बहुत स्मूथ है, रियली बहुत स्मूथ है। इस प्राइस रेंज में बहुत बढ़िया वोडका है ये, बिल्कुल भी अल्कोहल का अरोमा नहीं है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है, बहुत स्मूथ है। अगर आप इसको ट्राई करें तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। एक टिप भी मैं आपको देना चाहूंगा, अगर जब भी आप वोडका को कंज्यूम करते हैं तो हमेशा स्मॉल क्वांटिटीज में ही कंज्यूम करें, कभी भी लार्ज क्वांटिटी में इसको कंज्यूम ना करें, हमेशा इसको सिप सिप करके ही पिए। तो ये थी आज की वीडियो वन मोर वोडका के ऊपर। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि मैं ऐसी ही और वीडियोज़ आप सबके लिए लेके आता रहूँ। तब तक आप खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ड्रिंक स्मार्ट एंड रिस्पॉन्सिबली। चीयर्स।